hi guys, finally I'm outside the hotel and this is the hotel behind me. So I am just going to make this video very, very brief. First of all, I don't have much time. And secondly, I just want to show you a little bit around. Yeah, so you already saw the buildings. And I'm going to take you now to the city side. There are ferry hoti hai, ek ship hai, jo free mein yahan pe city ko cover karti hai. I think if I can reach there, I can show you a little bit. और थोड़ा मैं आपको व्यू दूंगी शॉप्स है जहाँ पे मैं रात को घूम रही थी, अभी दिन में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी. एंड इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, सो जस्ट बी विद मी, बेयर विद मी. यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही प्यारा है. ये देखिए, ब्रिजेस के अंदर भी पूरा पेंट हुआ है, लाइक वेरी नाइस पेंटिंग्स बनाए हुए हैं. और जो मेरे पीछे है यहाँ पे, दिस इज अ ट्रेन स्टेशन. आई कैन जस्ट शो यू सम बिल्डिंग्स ऑल्सो. और हम जा रहे हैं इन बिल्डिंग्स के बैक साइड पे. और ये जो सामने है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज अ चर्च. और हमने जाना है जो बिल्कुल सामने स्ट्रीट है, उधर से नीचे भी जा सकते हैं और राइट लेके भी जा सकते हैं. सो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एंड दिस इज देयर ट्रेन स्टेशन. नीचे आई होप यू कैन सी, यहाँ से इनकी ट्रेन चलती है. This is the church I was talking about. Very, very beautiful. और हम इस स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं और हम इधर से भी जा सकते हैं. और ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन का एंट्रेंस है जहाँ से लोग अपना ट्रेन की टिकट्स वगैरह ले सकते हैं. मैकडोनल्ड्स भी है इसके अंदर. और अब हम स्ट्रीट से इस तरफ की तरफ से जाते हैं, सो दैट्स गोना बी इजी फॉर अस. एंड ऑन द वे आई विल शो यू मैनी मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स. सो you can just have a look of the street. यहाँ का मेन सेंट्रल स्टेशन का एंट्रेंस है यहाँ पे, जो बिल्डिंग आपको सेंटर में नजर आ रही है. और इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ये कुछ बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, इसकी मैंने फोटोग्राफ कल रात को ली थी. दिस इज समथिंग वेरी फेमस, आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू जेरूसलेम रिलीजन. और ये फायर मेरे ख्याल से हमेशा जलती रहती है, सो आई एम गोना शो यू दिस वन. तो इसके अंदर फायर जलती है और आई थिंक इसको कभी भी बुझने नहीं देते. कितना घर से बाहर निकल के पता चलता है कि कितने सारे रिलीजन हैं, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. और इसके जो पीछे हैं सारे गार्डन्स हैं यहाँ पे. इसके नीचे से अगर उतरो तो बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स हैं. अगर गार्डन्स में से निकल के आपने दूसरी स्ट्रीट पे जाना है तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज. एंड वो जो मैंने आपको अभी दिखाया जेरूसलेम रिलीजन का कुछ है, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इट इज, बट ऑन द राइट हैंड साइड आई कैन सी ग्रैंड सेंट्रल होटल. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड होटल. यू कैन सी इट्स बिहाइंड मी ओवर देयर ऑन द अदर स्ट्रीट, मेरे राइट हैंड साइड में. एंड देन यहाँ पे बस स्टेशन अभी आने वाला है. यू कैन सी मैनी पीपल आर वेटिंग फॉर द बस. सो अभी शाम यहाँ पे होनी शुरू हो गई, मेरी मॉर्निंग है क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ. और अभी तो यहाँ पे आई थिंक यूएई से 6 घंटे आगे है. एंड कुछ टाइम में मेरी फ्लाइट भी है, तो आई थॉट ऑफ जस्ट टेकिंग अ क्विक राउंड फॉर यू गाइस. लेट मी जस्ट रीच वेयर आई कैन शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट लाइट की वेट कर रही थी, आई थॉट ऑफ जस्ट शोइंग यू हियर. सी हाउ द बिल्डिंग्स लुक्स, सो ब्यूटीफुल क्लीन. सब लोग अपना वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का सड़क पार करने के लिए. अभी दीज आर टैक्सीज. ये एक पब है बिल्कुल जो व्हाइट कैप के पीछे है, ये पब है. रात को यहाँ पे बहुत रौनक थी, भरा पड़ा था लोगों से. एंड दिस इज हाउ द स्ट्रीट्स लुक्स नाउ. आज भी वीकेंड है, सो इट्स गोना बी रियली रियली नाइस. और ये जहाँ से मैं चल के अभी आई हूँ, जस्ट गिविंग यू अ व्यू ऑफ वेरी वेरी ह्यूज नाइस लुकिंग ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ओवर हियर. खड़ी हूँ 145 N Street के ऊपर. एंड बाइकर्स यहाँ से बाइक्स निकाल के जा रहे हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू सम रेस और समथिंग. थैंक यू. और ये राइट हैंड साइड में मेरे एक चर्च है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है. और आई थिंक ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक बहुत प्यारा सा चर्च बना हुआ है.
ये मैंने रात को भी देखा था, एंस प्रेसबाइटेरियन चर्च और समथिंग दे कॉल इट, या सो वेरी वेरी प्रिटी. इधर भी चर्च है और इधर भी चर्च है. एंड मैंने चर्च के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, सब रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे बना ही होता है. और ये वो बिल्डिंग है रात को जो रेड कलर में थी, और अभी ये ड्यूरिंग द डे बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर में नज़र आ रही है. और लेट मी टेल यू, ब्रिस्बेन सिटी में इंटरनेट फॉर फ्री है, तो आप कहीं पे भी ब्रिस्बेन सिटी में हो तो आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो. आई वॉज ट्राइंग टू गो लाइव यस्टरडे पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, आई थिंक कनेक्शन थोड़ा वीक था. सो ब्रिस्बेन सिटी फ्री वाईफाई, एंड दिस इज़ आई थिंक द सेंटर विच इज़ वेरी वेरी फेमस, एंड वी वर हियर यस्टरडे. पूरा रेड इसके ऊपर लाइटिंग हुआ हुआ था रात को. एंड दिस इज दैट बार विच आई शोड यू इन द बिल्ड, आई मीन आई थिंक आई शोड यू इन द वीडियो. Pigeon Whistle is very, very famous. All I see is you. और देखिए सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज. और भी ये है सामने वो स्ट्रीट जहाँ से मैं रात को आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट इतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा था. सामने पूरे के पूरे शॉप्स हैं, सो आई एम गोना टेक यू ओवर देयर. These are the cycles I was talking about yesterday that you can hire them from here. There is a machine over here. You just have to pay whatever the prices are, and you can just book one cycle. You can have it, and you can drive it anywhere you like. ये एक store जो है ये बहुत ही important है आपको दिखाना. Uggs Australia करके एक boots है, ये बनाते हैं, बहुत ही special boots होते हैं इनके, and it's a very very famous brand. And I always want to have one Uggs. But today, because I don't have time, so I'm not spending any time inside. But I just wanted to tell you that Uggs are from Australia, and they make one of the best. This is a souvenir shop, so I'm just showing you a little bit of stuff from here. It's all from Australia. और ये वो सेंटर है जो मैं कल आपको दिखा रही थी. आई एम गोइंग टू शो यू अगेन दैट हंग्री जैक्स इज जस्ट बिहाइंड. एंड इधर को भी एक स्ट्रीट है, इट्स वेरी वेरी हैपनिंग पॉपुलर एरिया. तो पूरे अभी रात को क्राउड यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा पार्टी के लिए, घूमने फिरने के लिए. दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ओवर हियर, गिविंग यू अ कम्प्लीट व्यू. सो नाउ आई एम गोना टेक यू टू दिस स्ट्रीट एंड आई विल शो यू व्हाट एल्स इज देयर. This is that same mall we went to yesterday, Meyer Center. Iske andar pura wahi food court and all that I showed you yesterday. And I'm just gonna say hi to those guys quickly jinhone kal mera sandwich banaya tha. So let's find out if they are inside. So, ये है फूड कोर्ट. कबाब मिलते हैं यहाँ पे, चिकन इजीली अवेलेबल है. यहाँ के लोग भी मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं. लेट मी जस्ट फाइंड आउट वेयर दीज गाइज वर. आई एम गोइंग टू से हाई टू दोज गाइज आई मेट यस्टरडे. आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज कल मैंने उनकी वीडियो पोस्ट की थी. आई जस्ट वांट टू चेक इफ दे सीन इट और नॉट एंड लुक एट देयर रिएक्शन. ये लोग अभी स्टार बन चुके हैं, आई एम टेलिंग यू. आपने वीडियो देख लिया, देखा वीडियो आपने अपना डाल दिया, देख लेना. क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर. So anyway, इन्होंने वो सैंडविच कल बनाया था. It was one of the best, I must say. And I just came to thank them. So thank you guys. Bye. I'm leaving in 2 hours. Yeah.